बॉलीवुड से गदर 2, ओएमजी 2 और साउथ से जेलर भोला शंकर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इन चारों फिल्मों ने इंडियन सिनेमा के 100 सालों में पहली बार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इन फिल्मों ने 11 अगस्त 2023, 13 अगस्त 2023 के वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा दर्शकों को सिनेमाघरों में लाने का रिकॉर्ड बनाया है। गदर 2, ओएमजी 2, जेलर और भोला शंकर ने मिलकर इस वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 390 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इसके अलावा इन चारों फिल्मों को 2 करोड़ से अधिक दर्शक देखने पहुंचे। 100 सालों में पहली बार भारतीय सिनेमा में ये रिकॉर्ड बना है। इस बात की जानकारी खुद मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके दी है। बता दें कि ये चारों फिल्में इंडियन सिनेमा के बड़े सुपरस्टार्स की हैं। इन चारों फिल्मों से 3 बड़े सुपरस्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी वापसी की है। गदर 2 से सनी देओल ने लगभग 20 सालों बाद बॉक्स ऑफिस पर वापसी की है। सनी ने 20 साल बाद जाकर गदर 2 जैसी इतनी बड़ी हिट फिल्म दी है। इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार ने भी लगातार 5 फ्लॉप फिल्मों के बाद ओएमजी 2 से बॉक्स ऑफिस पर वापसी की है। इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके अलावा साउथ से रजनीकांत ने फिल्म जेलर से बॉक्स ऑफिस पर वापसी की। उनकी इस फिल्म ने अभी तक इंडिया में 140 करोड़ की कमाई की है। हालांकि तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर ने ओपनिंग डे पर तो अच्छी कमाई की थी, लेकिन उसके बाद उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी स्लो हो गई है। लेकिन ये चारों फिल्में अभी बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा कमाई करेंगी। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो गदर 2 300 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। वहीं ओएमजी 2 200 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। इसके अलावा रजनीकांत की जेलर भी 300 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। वहीं चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर के 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने का अंदाजा ट्रेड एनालिस्ट ने लगाया है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।